सबसे पहले मैंने मेथी को अच्छे से तोड़ के उसे 4-5 पानी से धो लिया है ताकि उसमें से सारा गंदगी निकल जाए और उसे काट लूँगी। अब मैं एक बाउल में आटा ले रही हूँ और मैं इतना ही मेथी के पत्ते लूँगी। मैंने इसे अच्छे से काट लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए एक प्याज डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक, 2-3 हरी मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी मिक्स हो गया तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे थोड़ा कड़ा ही सानूंगी क्योंकि ये तुरंत से गीला हो जाता है। मैंने इसे सान लिया है और मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे गोला बनाऊंगी, उसमें अच्छे से आटा लगा के उसे बेलूंगी। मैंने इसे बेल लिया है तो अब इसे तवा में डाल देती हूँ और इसे दोनों साइड अच्छे से पका लूँगी। एक साइड हो गया है तो मैंने इसे पलट दिया है। अब दूसरी साइड भी हो गया तो अब मैं इसमें बटर लगा रही हूँ, लेकिन आप तेल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हो। ने बटर दोनों साइड लगा दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर और सेक लूँगी। इसे मीडियम फ्लेम में सेकना है, नहीं तो ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा अंदर से। अभी दोनों साइड अच्छे से पक गया है तो मैं इसे सर्व कर देती हूँ। आप इसे दही, अचार, सॉस, चटनी जिसके साथ खाना पसंद करते हो इसके साथ खाओ। ये ठंड का वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट है। मैं तो वीक में 2 से 3 बार इसे बनाती हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।